लॉकडाउन के बीच ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। यहाँ ये लोग जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज का स्वागत कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में उनके अनुयायी मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की सरेराह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि मुनि प्रमाण सागर महाराज जिला प्रशासन के शर्तों के साथ अनुमति लेकर सागर के बंडा के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जब जैन मुनि वहाँ विहार कर रहे थे तब सैकड़ों लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच गए। सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ तब प्रशासन की नींद खुली। अधिकारी मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। जब बात हमारे सामने आई है वीडियो के और विजुअल के माध्यम से काफी लोगों ने संज्ञान में लाया है, थाना प्रभारी को हमने निर्देशित कर दिया गया है कि अगर इस प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग प्लस 144 का उल्लंघन अगर हुआ है तो वो जांच करके आयोजकों पे और जो जो भी वीडियो विजुअल में है उनके विरुद्ध 144 के उल्लंघन की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। स्थानीय प्रशासन क्या करता रहा सर, पुलिस प्रशासन इतना भीड़ इकट्ठी होती रही, उन्होंने नहीं कुछ? अब ये जांच का विषय है, थाना प्रभारी को बताया हमने, उसके बाद भी जो कुछ हो सभी के बारे में। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने जैन मुनि को 20 लोग और 9 वाहनों के साथ जाने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन के आदेशों की अनदेखी की गई। आपको बता दें कि जिस इलाके से जैन मुनि गुजरे थे उसी इलाके में एक दिन बाद ही कोरोना पॉजिटिव का केस सामने आया था। सागर से हिमांशु शिवा पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।